देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ amarujala.com पर। देखिए राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है, क्योंकि एक बार फिर आमने सामने हैं बाबा बालकनाथ और इमरान खान, और इस बार क्या कुछ होने वाला है। हालांकि दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत स्वागत है आपका amarujala.com पर। सबसे पहला सवाल है, एक बार फिर आप लोग आमने सामने हैं, ये संयोग है या प्रयोग है, क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ये तो संयोग ही हो सकता है कि हम आमने सामने हैं, और बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, पूरा संगठन 3600 बिरादरी सब भाई हमारे साथ हैं, बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव मैदान में हैं, और हर तरीके के कि उनके उनको सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरा संगठन, पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और अच्छे तरीके से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि अभी कल तक BSP के टिकट की बात हो रही थी, फिर आप कांग्रेस के टिकट पर आ गए, और एक बार चुनौती फिर बाबा बालकनाथ को, पिछला चुनाव आप उनके सामने हार चुके हैं, तो इस बार क्या? देखो इसका एक कारण था कि कांग्रेस पार्टी का जो टिकट है ज़्यादातर ये माइनॉरिटी रिजर्वड है, यहाँ का जो टिकट है। मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, तो मैं भी माइनॉरिटी से आता हूँ, कांग्रेस का कैंडिडेट भी माइनॉरिटी से आने की संभावना थी, तो उसमें वोट बटने का बहुत बड़ा डर था। तो सारे भाइयों का, 3600 बिरादरी का यही मशवरा था मेरे लिए कि इमरान भाई आप कांग्रेस से दावेदारी करो, कांग्रेस से टिकट मांगो, हम आपकी मदद करेंगे। सारे संगठनों ने, सारे भाई ने, सारे अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने मदद की, और सब लोगों ने आला जो नेता हैं, उच्च शीर्ष नेतृत्व को ये बताया कि भाई अगर आप एक ही कैंडिडेट उतारो, और सर्वे के आधार पर जैसा भी भाइयों को अच्छा लगा, मैं इन सब भाइयों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बीजेपी ने जिस तरीके से 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया, और बाबा बालकनाथ को यहाँ पर तिजारा में वापस उन्होंने भेज दिया, अलवर के तो वो सांसद थे ही, तिजारा में उतार दिया उनको विधानसभा में, क्या कुछ समीकरण बदलने की कोशिश हो रही है क्या? देखो अभी भाजपा बौखलाई हुई है, उनके पास कैंडिडेट बचे नहीं है, और जिस तरीके के सांसद की ही बात करूं, 4.5 साल हो गए उनको सांसद बने, तिजारा में वो एक पत्थर अपना नहीं बता सकते, एक ईंट लगी हुई अपनी नहीं बता सकते, ना कभी उन्होंने जन सुनवाई करी, ना कभी जनता के बीच में गए, सिर्फ और सिर्फ आप बहुत बड़े लेवल की राजनीति करके और किसी भी तरीके से धर्म की आड़ में आप सांसद बन जाओ और लोगों के लिए काम ना करो। तिजारा का हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, यहाँ व्यापारी वर्ग भी है, यहाँ एलिट क्लास भी है, नौकरी करने वाले अच्छे अच्छे, यहाँ नौजवान भी है, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ विजन की और क्या कहते हैं विकास की राजनीति हो, ना कि ठीक है वो आदरणीय है हमारे, और अगर मठ में बैठते हैं मठाधीश है तो उसी हिसाब से उनका सम्मान भी है, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में तिजारा के लोगों को सक्रिय आदमी की जरूरत है, जो जनता के बीच में रहे, भाइयों के बीच में रहे, सबके सुख दुख में रहे, ना कि चुनाव लड़ने के बाद रोहतक बैठ जाए, दिल्ली बैठ जाए, और अपने आप को इतना बड़ा समझे कि जनता ही उनके आगे पीछे घूमे, ना काम से लेना, ना विकास से लेना, ना प्रदूषण से लेना, ना टोल टैक्स से लेना, ना पानी से लेना, ना शिक्षा से लेना, ना चिकित्सा से लेना, बस खाली इससे काम नहीं चलता। तो इसलिए तिजारा की जनता ने इस बार ठाना है कि अपना लोकल प्रत्याशी चाहिए, सभी भराई 3600 बिरादरी सारे हर समाज से मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, देखिए एक तो बाबा बालकनाथ पर बाहरी होने का भी आरोप लग रहा है, ये भी कहा जा रहा है, क्या उसका फायदा आपको मिलने वाला है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सभा की उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखो तिजारा की राजनीति कभी भी धर्मवाद पे, जातिवाद पे चली नहीं है आज तक। यहाँ यादव ज़्यादातर यादव समाज को वोट देता है, गुजर गुजर को देता है, मेओ मेओ को देता है, फिर तीनों समाजों से तीनों कैंडिडेट भी एक दूसरे समाज से वोट उठाते हैं। अब मैं सारे समाजों से वोट उठा रहा हूँ, जो गुजर समाज से कैंडिडेट खड़ा है वो भी सारे समाजों से उठा रहता है। तो यहाँ जातिवाद की राजनीति आज तक रही नहीं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ जातिवाद की राजनीति बनाने में, बुलडोजर लेके आ गए, नफरत, लोगों को डराना, धमकाना। हम तो मोहब्बत की राजनीति करेंगे, हम नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति करेंगे। राहुल गांधी जी और जो भी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के नेता हैं उनकी रीति नीतियों को, सिद्धांतों को देखते हुए हम राजनीति करेंगे, जोड़ की राजनीति करेंगे, तोड़ की राजनीति करेंगे। तो मेरा पूरा मानना है, टीम के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो लोग कहीं भी यहाँ पे इस तरीके की राजनीति के लिए कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका इमरान जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे इमरान खान को, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तिजारा से, और एक बार फिर आमने सामने बाबा बालकनाथ और इमरान खान हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि तैयारी पूरी है, फैसला हालांकि जनता को करना होगा, थोड़ा सा इंतजार, उससे भी आपको आगे अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक।